मैं सेल के अलावा स्टील्स प्लांट के पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट से कमलेंदु मिश्रा लेकर हाजिर हूं सेल ट्रैक का 46वां एपिसोड। सेल ट्रैक की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए रूबरू होते हैं सेल के हाल के हैपनिंग्स, अचीवमेंट्स और बाकी महत्वपूर्ण खबरों से। सबसे पहले नज़र डालते हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए नए कोविड केयर सेंटर पर। माननीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस और इस्पात मंत्री भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 जून को सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक इस्पात निदान केंद्र के नाम से एक कोविड उपचार केंद्र को देश को ऑनलाइन समर्पित किया। इस अस्पताल में गैसीय ऑक्सीजन की आपूर्ति सीधे संयंत्र के ऑक्सीजन यूनिट से होगी। मौजूदा समय में अस्पताल में 100 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं, जिसमें वेंटिलेटर से जुड़े 50 आईसीयू बेड शामिल हैं। इसकी क्षमता बाद में 100 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड समेत 500 बेड तक किया जाएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि यह विशाल सुविधा इस क्षेत्र में कोविड महामारी की दूसरी लहर को रोकने में मदद करेगी और स्वास्थ्य सेवा की स्थिति को और भी मजबूत करेगी। बिफोर इनॉग्रेशन ऑफ RSP's कोविड केयर सेंटर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान डेडिकेटेड सेल्स सेकेंड कोविड केयर हॉस्पिटल विद 200 बेड्स एट दुर्गापुर स्टील प्लांट टू द नेशन ऑन 31 May 2021 इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम। दिस 200 बेडेड कोविड केयर हॉस्पिटल is fitted with supply of gaseous oxygen directly from the plant through a dedicated pipeline. There are backup oxygen batteries which are available near the care unit with provision of alternate oxygen cylinders in case of accidental interruption in the supply of pipeline oxygen. Recently, a 200 bedded COVID care facility at Burnpur was also dedicated to the service of the nation. Facility thus created will not only provide a relief to the COVID patients at present, but it would also be the backup for any medical requirement in the future. आज मैं सेल की फैमिली को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ देश की ओर से। बंगाल के अंदर आपने दो दो कोविड केयर सेंटर, जुम्बो साइज ऑक्सीजनेटेड कोविड केयर सेंटर खड़ा किया है। COVID-19 के चुनौतीपूर्ण समय में अपने बेहद महत्वपूर्ण ग्राहकों से अपने जुड़ाव को और भी मजबूत करने के लिए 24 मई 2021 को ग्राहकों से एक ऑनलाइन मुलाकात का आयोजन किया, जिसमें सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने देश भर से कंपनी के 26 प्रतिष्ठित ग्राहकों के साथ बातचीत की। इस बैठक के दौरान सेल को ग्राहकों से मिले फीडबैक और सुझाव ग्राहकों को और बेहतर सेवा और सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे। सेल के अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने कहा, आई बिलीव दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज रिफ्लेक्टेड इन द कस्टमर बेस एंड द सपोर्ट इट हैज। द कस्टमर्स आर वन ऑफ द मेन पिलर्स टू व्हिच एंश्योर्स द कमर्शियल सक्सेस ऑफ द कंपनी। विलाय स्टील प्लांट इज नाउ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग द न्यू R260 ग्रेड ऑफ रेल्स with new 60E1 profile to the Indian Railways. This new R260 grade of rails with even more stringent specification norms than European standard EN13674, coupled with perfectly engineered 60E1 profile, is more suitable for higher speed and higher axle load. More than 74,000 ton of R260 grade rails with 60E1 profile has been rolled out and about 66,500 ton has been dispatched to Indian Railways so far in the current fiscal year. The new R260 grade not only ensures cleaner steel but also provides better mechanical properties. Lekin kya aap jante hain ki 7 June ko World Food Safety Day, 8 June ko वर्ल्ड ओशंस डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर
और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको याद दिलाते चलें कि अगर आपने सेल का यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार बिल्कुल न भूलें, ताकि सेल ट्रैक के रिलीज होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, धन्यवाद।